नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंगराज। बताइए, शुरुआत करते हैं खबरों की। जबलपुर के गोरखपुर थाना अंतर्गत रामपुर में तेल व्यापारी से हुई लूट का पुलिस ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। व्यापारी विनीत मारवाह के साथ उसके ही पुराने कर्मचारियों ने लूट की थी। दोनों कर्मचारियों को पता था कि विनीत हर दिन लाखों रुपए लेकर घर जाता है और उसके जाने का रास्ता भी तय होता है। मामले की जाँच के दौरान सीसीटीवी कैमरों ने पुलिस को लुटेरों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थाना प्रभारी गोरखपुर शिव सिंह बघेल ने बताया कि गौरतलब है कि 18 जनवरी की शाम गुरंडी में तेल मिल चलाने वाले विनीत मारवाह के साथ लूट की वारदात हुई थी। शाम को मिल बंद होकर के विनीत दिन भर की आमदनी और हिसाब किताब अपने बैग में रखकर घर लौट रहे थे। रामपुर आदर्श नगर पहुंचते ही काले रंग की स्कूटी में आए दो युवकों ने उनकी आंख में मिर्च डालकर पैसों से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका नाम प्रिंस यादव व कार्तिक बैन है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। दिनांक 18/1/23 को आदर्श नगर निवासी विनीत मरवाह ने चौकी पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गुरंदी में उनका तेल मिल है और वो अपनी दुकान बंद करके दुकान का जो कैश है बैग में रख के स्कूटी से अपने घर आदर्श नगर आ रहे थे। घर पहुंचने के पहले उनको दो स्कूटी सवार लड़कों ने जो मुंह बांधे हुए थे ओवरटेक करके उनकी गाड़ी को रोकी। एक लड़का गाड़ी स्टार्ट किए खड़ा था और दूसरा उससे उतर के उनका बैग छीना, आँख में उनके मिर्ची का पाउडर डाला और किसी धारदार हथियार से मारपीट भी किया और भाग गए। इस रिपोर्ट पर थाने में धारा 394 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अग्रवाल सर और CSP सुश्री प्रतिष्ठा राठौर मैडम को ये घटना के बारे में बताया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम गठित की। हम लोगों ने कंट्रोल रूम से CCTV फुटेज गुरंदी से देखना शुरू किया। बड़ी उमती में संदिग्ध लड़के वो दिखे और कैंट के भी CCTV कैमरे में दिखे और कैंट में जब वो दिखे तो उसमें उनने उनके द्वारा मुंह बांधा हुआ था। इस आधार पर फरियादी से पूछताछ की गई कि आपके यहाँ नौकर कौन कौन काम करते थे पूर्व में, उनसे जानकारी लेके और इन आरोपियों को पकड़ा गया। उनसे लूट का मशरूका जो है बरामद किया गया है और कुछ लूट का मशरूका भी बरामद करना है, जिसके लिए हमारे पास इनपुट है वो बरामद किया जाएगा। आरोपी पहले भी लूट कर चुके हैं? आरोपी एक आरोपी का एक चोरी का अपराध है। प्रिंस यादव को थाना उमती में चोरी का अपराध कायम है, उसमें चलान हुआ है। उसमें नौकर अभी काम करते थे कि छोड़? ये नौकर फरियादी ने बताया कि इनकी कुछ गतिविधियाँ संदिग्ध थी और मुझे ऐसा लगता था कि ये चोरी कर रहे हैं, इसलिए इनको नौकरी से हटा दिया गया। ये 4,40,000 रुपये की लूट में बताई थी, अपराध कायम हुआ। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। We'll be right back.